वर्तमान समय में 5 ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिनको अब टीम इंडिया में वापसी की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। भारत में यह रिवाज भी रहा है कि अगर आप समय पर संन्यास नहीं लेते हैं तो आपको मजबूर कर दिया जाता है। ऐसे में भारत की वनडे टीम में भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका वनडे करियर अब लगभग खत्म हो चुका है। इस वीडियो में हमारा फोकस 5 ऐसे खिलाड़ियों पर रहेगा जिनका वनडे करियर अब लगभग समाप्त हो चुका है। नंबर 5, रविंद्र जडेजा। भारत के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को श्रीलंका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम में जगह नहीं मिली है। जडेजा ने भारत के लिए 197 वनडे खेले हैं, जिसमें उन्होंने 220 विकेट लेने के साथ 2756 रन भी बनाए हैं। जडेजा को अब वनडे में जगह मिलना मुश्किल है। उनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया जा रहा है। ऐसे में जडेजा की वापसी मुश्किल है। नंबर 4, रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन लंबे समय से भारत की वनडे टीम से बाहर चल रहे हैं। वह 116 मैचों में 156 विकेट चटक चुके हैं, लेकिन अब उन्हें इस फॉर्मेट में मौके नहीं दिए जा रहे। अश्विन सिर्फ टेस्ट मैचों की टीम में चुने जाते हैं। अश्विन की भी वनडे में वापसी मुश्किल है। नंबर 3, युजवेंद्र चहल। लेग स्पिनर चहल को टीम में कई बार शामिल किया गया, लेकिन प्लेइंग 11 का हिस्सा बनना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। चहल ने अपना आखिरी वनडे मुकाबला जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। 1.5 साल से चहल भी वनडे मुकाबला खेलने का सपना देख रहे हैं। ऐसा लगता है चहल को अब टीम में आने का सपना देखना बंद कर देना चाहिए। नंबर 2, मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल ने भी 2020 के बाद से भारत के लिए एक भी वनडे मैच नहीं खेला है। उन्होंने 5 वनडे मैचों में सिर्फ 86 रन बनाए हैं, जिसके बाद वह टीम से ड्रॉप कर दिए गए। मयंक अग्रवाल की भी वापसी की उम्मीद ना के बराबर है। नंबर 1, भुवनेश्वर कुमार। दोस्तों, तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को पिछले काफी समय से नजरअंदाज किया जा रहा है। श्रीलंका दौरे पर भी उनका चयन नहीं हुआ है। भुवनेश्वर कुमार 2022 के बाद से अपनी वापसी के इंतजार में है, लेकिन वर्तमान समय में भारत के पास तेज गेंदबाजों की कोई कमी नहीं है। ऐसे में भुवी को मौका मिल पाने के चांस लगभग खत्म हो चुके हैं। दोस्तों, अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।